A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. I am going to provide you a session on Introduction to Anthropology and Tourism today. This particular session would be the part 2 of Unit 1 BANS 183, that is this only. And I have already provided you with part 1, so you need to check that on the playlist for BANS 183 IGNU. And without wasting our time, let's get started with our content for today. So we would be like completing certain topics that I would be like providing you in the content. So we would be completing the very first bullet, that is tourism for today. So like tourism, what is like tourism, the briefing, then definitions for tourism, then definitions by scholars, and then postmodern humanistic perspective regarding tourism. This is the part I would be completing for today in this part 2. This would be completed in part 3. Okay, so let's get started with our today's content. So in the last session, we completed regarding anthropology. And today we will be like completing regarding tourism. So the very first thing is, what is tourism? So in a general sense, like what do we analyze, like hum kya samajhte hai tourism se, to hume pata hona chahiye. So tourism is like a process ya ek phenomena, ya ek tarike se tourism ek tarike se ek activity hai jiske andar aap jo hai ek tarike se apne normal life se kuch time nikalte hai to visit certain places, to have एक कंफर्टेबल जोन तैयार करते हैं टू गेट योरसेल्फ रिफ्रेश्ड. ओके, सो इट इज लाइक अ फिनोमेना और अ एक्टिविटी इन विच एवरी पर्सन ट्राइज टू यू नो गेट सम टाइम टू डू इट. ओके, सो टूरिज्म जो है अपने आप में एक जो है खुद की उसकी एक हिस्ट्री और एक कल्चर पास्ट रह चुका है ह्यूमन काइंड के अंदर. बेसिकली टूरिज्म अगर हम देखते हैं पास्ट के अंदर, तो टूरिज्म कहीं ना कहीं ट्रैवल से, डिस्कवरी से स्टार्ट हुआ. क्योंकि आज जो हम टूरिज्म के अंदर लाइक टूरिज्म का हमारा मोटिव रहता है टू रिलैक्स आवर सेल्फ, टू यू नो टू विजिट न्यू प्लेसेस, टू गेट रिफ्रेश्ड, टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, लाइक अलग अलग हमारे रीजंस रहते हैं टूरिज्म के अंदर. स्टार्टिंग में जब टूरिज्म, जब बहुत पहले हमारा जब स्टार्ट हुआ है टूरिज्म, तो लाइक स्टार्टिंग से एक दूसरी जगह से हम लोग ट्रैवल करते हैं. पर पहले हम ट्रैवलिंग करते थे डिस्कवरीज, इन्वेंशंस के लिए. अब जो करंट फॉर्म चल रहा है ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म का, वो एक रिलैक्सेशन वाले फॉर्म में चल रहा है जिसमें पर्सन लेजर के लिए निकलता है. राइट, द पर्सन गोज आउट फॉर रिलैक्सेशन, टू लाइक टू एक्सप्लोर सर्टेन थिंग्स. ठीक है, सो द लाइक टूरिज्म की अपना खुद का एक कल्चर, खुद की एक हिस्ट्री रह चुकी है. टूरिज्म इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री और लाइक इसका बहुत बड़ा कनेक्शन बनता है अगर आप देखें एक नेशन से, उस स्टेट से, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर गली गली में. लाइक टूरिज्म इज लाइक वेरी मच इंटैक्ट टू द कोर. ओके, सो इट इज अ वेरी मेजर इंडस्ट्री, वेरी ब्रॉड वाइब्रेंट इंडस्ट्री, एंड इट इज अ डेवलपमेंटल टूल टू. ये डेवलपमेंटल टूल कैसे है, लाइक जो भी टूरिज्म में हम इन्वॉल्व होते हैं, जो भी नेशन अपने अंदर टूरिज्म, लाइक जिस भी नेशन में टूरिज्म हमें देखने को मिलता है, तो वहां के लिए उस पर्टिकुलर नेशन या देश के लिए ये एक इकोनॉमिक सोर्स भी है. राइट, आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, आपके कल्चर को और वाइडन करता है, आपको नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं. तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल टूल भी है. जब आपके नेशन के अंदर या इकोनॉमी के अंदर बाहर से लोग आके विजिट करेंगे, तो ऑब्वियस आप चाहेंगे कि उनको एक अच्छी साइड दिखे, लाइक आपके नेशन का बहुत सारा अच्छा हिस्सा दिखे. सो यू विल एक्चुअली मेक द रोड, यू विल मेक द इंफ्रास्ट्रक्चर मोर अच्छा सा, and you will like invest on education, and you will be investing on like health and like all sectors. Because tourism sirf is had tak nahi hota, tourism bahut sare dimensions mein hota hai, because we know it is a multi-dimensional phenomena.
ये बहुत ही मेजर इंडस्ट्री है, तो इसको और अपलिफ्ट करने के लिए, इसको और लाइक अपने देश के अंदर और अच्छी तरह लाइक इसका फ्लो तैयार करने के लिए, इसको और निखारने के लिए द नेशंस एक्चुअली इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ अ डेवलपमेंटल टूल. सो टूरिज्म इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी इकोनॉमी एनी नेशन, राइट. सो नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्लाइड. तो अब हम देखेंगे कि क्या मेजर डेफिनेशंस रही हैं टूरिज्म की बाय द स्कॉलर्स, एंड लेट्स सी इट वन बाय वन. पहले एक चीज हमें पता होना चाहिए कि टूरिज्म इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना, राइट. ये मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है. सो इट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर द एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू डिफाइन टूरिज्म इन लाइक अ कॉम्पैक्ट साइज. सो इसके डेफिनेशंस आर लाइक वेरी डिफिकल्ट टू मेक और टू लाइक टू कंक्लूड. टूरिज्म एक डेफिनेशन के अंदर इज लाइक वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. सो टूरिज्म की कुछ डेफिनेशंस हम देखेंगे बाय द स्कॉलर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद देम आल्सो. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट लाइक जो स्कॉलर हमारे पास आएंगे डेफिनेशंस लेके, वो है स्मिथ. सो स्मिथ ने ही बेसिकली डिफाइंड टूरिस्ट एज अ टेम्पररी लेजर्ड पर्सन हु वॉलेंटरली विजिट्स अ प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ चेंज. सो दिस वाज अ डेफिनेशन बाय स्मिथ फॉर टूरिस्ट. तो उन्होंने कहा कि टूरिस्ट वो पर्सन है, वो इंसान है जो कि टेम्पररी लेजर्ड है, मतलब कि कुछ समय के लिए लाइक नॉर्मल लाइफ रूटीन में से कुछ समय के लिए वो लेजर के लिए एक तरीके से ट्रैवल करना चाहता है, राइट. उसको लेजर चाहिए, लाइक आराम चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, कंफर्ट चाहिए, एंड ऑल द अदर थिंग्स दैट ही वांट टू लाइक अचीव. सो ही इज अ टेम्पररी लेजर्ड पर्सन हु वॉलेंटरली मतलब होता है अपने मन से, लाइक विल, खुद की विल से. नोबडी हैज फोर्स हर और हिम टू लाइक ट्रैवल. सो लाइक इट्स लाइक के खुद के विल से द पर्सन इज लाइक विलिंग टू ट्रैवल एंड विजिट न्यू प्लेसेस. सो दिस वाज ऑल. सो इट इज अ टेम्पररी लेजर्ड पर्सन हु वॉलेंटरली विजिट्स अ प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ चेंज. द पर्सन, जो भी पर्सन लाइक जो टूरिस्ट होता है, वो चाहता है कि उसकी जो नॉर्मल लाइफ रूटीन होता है, जब वो एक नई प्लेस पे जाएगा, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट लेगा, लेजर अपना कंफर्ट जोन लेगा, नई नई चीजों को देखेगा, नए लोगों से कल्चर से इंटरेक्ट करेगा, तो वो एक चेंज एक्सपीरियंस करेगा अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल के अंदर. सो दिस वॉज द डेफिनेशन फॉर टूरिस्ट बाय स्मिथ. एंड एक और चीज हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं फॉर अ पर्सन टू ट्रैवल. लाइक हम सबका एक मेन गोल या एक मेन वजह से, कॉज की वजह से हम ट्रैवल या टूरिज्म के अंदर नहीं रहते. वी डोंट बिकम अ टूरिस्ट लाइक दैट ओनली. सबका अपना अलग एक लाइक मोटिवेशन लेवल भी होता है कि हमें क्यों लाइक ट्रैवल करना है, एक्सप्लोर करना है. सो फैक्टर्स जो है टू गेट मोटिवेटेड टू एक्चुअली गेट इन टू अ टूरिज्म फिनोमिना, वो भी अलग अलग होते हैं, वेरिड होते हैं. वेरिड मतलब होता है डिफरेंट होना. ओके अब जो है तीन एलिमेंट्स हैं, तीन मेन इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि टूरिज्म का फाउंडेशन तैयार करते हैं, जो टूरिज्म को कंडक्ट करने में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. तो वेरी फर्स्ट इज लेजर टाइम. आपके पास नॉर्मल लाइफ से अलग टाइम होना चाहिए, राइट. आपके पास वो आपकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आप वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, मतलब अपना जो डेली एक्टिविटीज है वो करते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं टूरिज्म की, तो आपको एक अलग टाइम जोन अपने लिए निकालना पड़ता है. तो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप रिलैक्सेशन के लिए चीजें रखते हैं, ट्रैवलिंग के अंदर, ये तो ये लेजर टाइम कहलाता है. फिर आपके पास डिस्क्रेशनरी इनकम होनी चाहिए. डिस्क्रेशनरी इनकम बेसिकली वो पार्ट होता है हमारी इनकम का जिसको हम अपने बेसिक यूज या पर्सनल एसेंशियल्स में यूज नहीं करते. बेसिकली ये वो एक्स्ट्रा इनकम का पार्ट होता है. ऑब्वियस है, हमारे पास अगर एक्स्ट्रा इनकम होगी या नॉर्मल चीजों को फुलफिल करने के बाद जो इनकम बचेगी, हम उसको ही यूज करके, और हम तभी ही टूरिज्म के अंदर जाते हैं, राइट. सो हमारे पास डिस्क्रेशनरी इनकम होनी चाहिए, हमारे पास लेजर टाइम होना चाहिए, और हमारे पास पॉजिटिव लोकल सैंक्शन होने चाहिए. लाइक वी शुड बी वी शुड हैव द लाइक हमारे पास वो
एक तरीके से अलाउंसेस होने चाहिए दैट वी कैन ट्रैवल अ पर्टिकुलर प्लेस टू लाइक एज अ टूरिस्ट. ऑल्सो वहाँ पे पॉजिटिवली इट शुड बी सैंक्शन, लाइक ये पॉजिटिव चार्ज सा होना चाहिए, लाइक वी कैन कनेक्ट दैट पर्टिकुलर प्लेस पॉजिटिवली. सो इसीलिए पॉजिटिव लोकल सैंक्शन में हम ये भी डाल सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर प्लेस शुड बी लाइक एनकरेजिंग दैट यू नीड टू विजिट अस. ओके, वो पर्टिकुलर प्लेस आपको एक तरीके से एनकरेज करे कि आप हमारे एरिया में आके रहिए, आप हमारे यहाँ पे टूरिज्म करिए. सो एक तरीके से वहाँ पे आपको अलाउंसेस हो, आपको सारी अवेलेबिलिटी मिले. ठीक है, सो लास्ट पॉइंट इज टूरिज्म प्रोवाइड स्मॉल पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन. ये हम सबको पता है कि टूरिज्म हमें अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल में से एक टाइम ऐसा देता है जिसके अंदर हमें रिलैक्सेशन मिलती है, हम बेसिकली रिफ्रेश फील करते हैं टूरिज्म एज अ टूरिस्ट एक्सप्लोर करने के बाद. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉलर हु इज जे जफारी. सो जे जफारी वाज आल्सो अ स्कॉलर हु डिफाइंड टूरिज्म इन अ होलिस्टिक व्यू. होलिस्टिक व्यू मतलब होता है ब्रॉडर सेंस में. ओके, मतलब कि 360 तरीके से, लाइक ओवरऑल तरीके से जे जफारी ने टूरिज्म को डिफाइन करा है. सो ही सेड इट, इन्होंने डिफाइन कुछ इस तरह करा है, इट सेड दैट इट इज अ स्टडी ऑफ मैन अवे फ्रॉम हिज यूजुअल हैबिट ऑफ द इंडस्ट्री व्हिच रिस्पॉन्ड्स टू हिज नीड्स एंड द इम्पैक्ट दैट बोथ ही और शी एंड द इंडस्ट्री हैव ऑन द होस्ट सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक एंड फिजिकल एनवायरमेंट. सो जे जफारी ने जो एक होलिस्टिक व्यू दिया था जिसके अंदर वो कहना चाहते हैं कि टूरिज्म एक तरीके से तीन चीजों को हम ध्यान रखेंगे इसमें. एक तो मैन द पर्सन हु वांट्स टू ट्रैवल, जो कि अपनी नॉर्मल हैबिट से बाहर निकलता है, अपनी नॉर्मल हैबिट से बाहर निकलता है और एक अलग सा कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता है, न्यू समथिंग न्यू. ठीक है, स्टडी ऑफ मैन अवे फ्रॉम हिज यूजुअल हैबिट ऑफ द इंडस्ट्री. एक और कॉम्पोनेंट आता है इंडस्ट्री. इंडस्ट्री मतलब वो सारी चीजें जिसके अंदर आपकी ट्रैवलिंग आ जाएगी, शेल्टर आ जाएगा, होटल्स आ जाएंगे. ठीक है, अपना ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा, तो सब कुछ वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो कि आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे एज अ लाइक अ इंडस्ट्री. लाइक आप होस्ट, आप उनके लिए आप टूरिस्ट है, राइट? तो आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो तो आपकी इन सारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो जो चीजें इन्वॉल्व रहेंगी वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री. देन कम्स द थिंग के इंडस्ट्री हो गई आपका, एक तो आप खुद हो गए मैन और द टूरिस्ट. देन आता है आपकी पूरी इंडस्ट्री जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, आपकी नीड्स को रिस्पॉन्स देंगे, और एंड द इम्पैक्ट ऑफ दैट बोथ ही और शी, जो भी टूरिस्ट है, ही और शी एंड द इंडस्ट्री. और ये इंडस्ट्री बेसिकली जब एक टूरिस्ट और एक जो इंडस्ट्री की चीजें हैं, जो सर्विसेज आपको मिलेंगी, आप जब इंटरैक्ट करेंगे तो आप एक चेंज लाएंगे. एक चेंज लाएंगे किसके ऊपर? होस्ट की सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक एंड फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर. बेसिकली होस्ट होती है वो जगह, वो डेस्टिनेशन या वो प्लेस जो आपको अलाउ देती है आप बेसिकली उस पर्टिकुलर जगह पे ट्रैवल करने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप मुंबई जाना चाहते हैं टूरिज्म से रिलेटेड एज अ टूरिस्ट, सो मुंबई आपका होस्ट है बिकॉज वो आपको अलाउ करता है वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, वहाँ पे चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए. तो जब हम बात करते हैं जे सफारी के पॉइंट ऑफ व्यू का, तो जे सफारी कहता है एक तो इसमें इन्वॉल्व है मैन, एक है पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो मैन की नीड्स को फुलफिल करते हैं जब मैन एज अ टूरिस्ट बाहर निकलता है. फिर तीसरा है कि इन दोनों का इंटरैक्शन होस्ट की जो जगह है, होस्ट का जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे भी आप घूमने जा रहे हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करता है. वहाँ के सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक और फिजिकल एनवायरनमेंट पे आप एक अपना असर छोड़ के जाते हैं. यू ब्रिंग अ चेंज इन देयर नॉर्मल लाइफ स्टाइल, इन देयर लाइक देयर एनवायरनमेंट. Okay, so this was all about Jay Safari's point of view, and now let's move to the third scholar, who is, just a second, Matheson and Wall. So Matheson and Wall ने describe किया like tourism को कुछ इस तरह.
तो उन्होंने डिस्क्राइब किया टूरिज्म को एज अ फिनोमिना. उन्होंने कहा कि उन्होंने एक होलिस्टिक व्यू नहीं दिया, उन्होंने टूरिज्म को एक फिनोमिना की कैटेगरी में डाला. उनकी मेडिसिन मेडिसिन एंड वॉल्फ की जो है बुक आई थी लाइक ऑन टूरिज्म रिगार्डिंग टूरिज्म, उसका टाइटल कुछ इस तरह था कि टूरिज्म इज लाइक इकोनॉमिक देन फिजिकल एंड सोशल इम्पैक्ट. तो मेडिसिन एंड वॉल ने लाइक डेफिनेशन दी थी कुछ इस तरह दैट इट इज अ मल्टी फेसेटेड फिनोमिना विच इन्वॉल्व्स मूवमेंट्स टू एंड स्टे इन डेस्टिनेशंस आउटसाइड द नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड कंप्राइजेस डायनेमिक स्टैटिक एंड कॉन्सिक्वेंशनल एलिमेंट्स. तो ये जो डेफिनेशन है जो मेडिसिन एंड वॉल ने दी है ये हमें कहती है कि टूरिज्म एक फिनोमिना तो है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस तो है, ठीक है. और वैसे एक पूरा प्रोसेस है, आप आप जाते हैं, आपका इंटरेस्ट फैक्टर सब कुछ, आप जाते हैं, यू विजिट देयर, यू ट्रैवल देयर, यू कम्युनिकेट देयर, यू ईट देयर, सारा एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है. फिर आप वापस आते हैं, पूरा एक प्रोसेस है. तो एक पूरा का पूरा फिनोमिना है ये, लेकिन मल्टी फेसेटेड फिनोमिना है. आप इसके अंदर सिर्फ एक डायमेंशन से नहीं देखते, ये अलग अलग हिस्सों से फिनोमिना टेक प्लेस करता है जिसके अंदर आपकी मूवमेंट तो होती है. और वैसे अगर आपको ट्रैवल करना है टूरिज्म के अंदर तो आप जाते हैं, लाइक इट विच इन्वॉल्व मूवमेंट टू, आप जाते हैं और स्टे करते हैं, स्टे इन डेस्टिनेशन जिस भी जगह पे, लाइक होस्ट जो रहेगा आपका जिस भी जगह पे, लाइक आपकी डेस्टिनेशन जो होगी या होस्ट जो होगा वहां पे आप जाते हैं, यू आप वहां पे मूव करते हैं और वहां पे रहते हैं, ठीक है. ये जो जगह है ये आपके नॉर्मल रेजिडेंस से अलग होती है, ये आपके नॉर्मल जहाँ पे आप रहते हैं आपकी रेजिडेंस जो है उससे अलग जगह होती है. और इसके अंदर इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के अंदर आपको जो है अलग अलग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि अपने आप में डायनेमिक भी होते हैं, स्टैटिक भी होते हैं और कॉन्सिक्वेंशनल भी होते हैं. लाइक यू एक्सपीरियंस, योर एक्सपीरियंस ओवर देयर एनकम्पासेस डायनेमिक स्टैटिक एंड कॉन्सिक्वेंशनल एलिमेंट्स. सो दिस वाज ऑल दैट वाज गिवन बाय मेडिसिन एंड वॉल. नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ स्कॉलर्स डेफिनेशन व्हिच इज ग्रीनवुड. सो ग्रीनवुड ने जो डेफिनेशन दी थी टूरिज्म को रिलेटेड, तो उन्होंने कहा था कि टूरिज्म इज अ लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पीपल दैट ह्यूमैनिटी हैज नेवर परहैप्स सीन. तो ग्रीनवुड ने कहा कि टूरिज्म जो होती है ना वो एक लार्ज स्केल मूवमेंट होती है, एक जगह ए है दूसरी जगह बी है, ये आपकी नॉर्मल जगह है और ये आपका होस्ट है या डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं. सो ए जो है, अब वो ए कुछ भी हो सकता है, वो गुड भी हो सकता है, गुड मतलब कोई भी चीज हो गई, कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं या एज अ पर्सन आप खुद इंसान है, तो आपकी जो मूवमेंट है होस्ट की तरह, ठीक है, ये एक लार्ज स्केल पे मूवमेंट है. लाइक आपकी जो सर्विसेज है वो भी जाती हैं, आपका लाइक आपकी गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगे और एज अ पर्सन आप भी उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं. तो इट्स अ लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल दैट ह्यूमैनिटी. टूरिज्म जो है एक नया एक बहुत ही एडवांस्ड फिनोमिना है, राइट, जो पहले के टाइम पे नहीं देखा जाता था, ठीक है. तो ह्यूमैनिटी के अंदर ये जो मूवमेंट है जो इतने बड़े स्केल से होती है, ठीक है, आप देखते हैं हर एक चीज जो इधर से उधर जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो बहुत ही बड़ा फिनोमिना है जो हर रोज टेक प्लेस करता है हर जगह पे हर एक पर्सन के अंदर. तो ये बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल मूवमेंट है गुड्स का, सर्विसेज का, लोगों का, जो कि ह्यूमैनिटी पहली बार देख रही है. आज तक ऐसा लार्ज स्केल मूवमेंट है टूरिज्म को इतना वाइडेंट, इतनी बड़ी फिनोमिना के अंदर किसी ने नहीं देखा है. नाउ लेट्स गो टू डेफिनेशन ऑफ लेट. तो लेट जो स्कॉलर रहे हैं उन्होंने टूरिज्म को डिफाइन किया है कुछ इस तरह. सो ही सेड द सिंगल लार्जेस्ट पीसफुल मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. तो लेट ने कहा ये इकलौती इकलौती मतलब कि द ओनली
ओनली लार्जेस्ट पीसफुल मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है अक्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब आप देखते हैं आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, आपके पास अफ्रीका है, यूरोप है, रशिया है, इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे और भी आपकी सारी चीजें हैं। तो हमारा जो एरिया है वो सारा बाउंड्रीज से बटा हुआ है, राइट? सो बाउंड्रीज के अक्रॉस आप एक देश से दूसरे देश में, अपने अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में, ठीक है, अलग अलग आइलैंड्स पे आप लाइक क्रॉस कल्चरल, आप क्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज, लाइक आप क्रॉस कल्चरल मूवमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर लाइक आप नॉर्मली जाओगे किसी और इंटेंशन के लाइक कंपेयर करोगे, तो ये बहुत ही पीसफुल मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो होस्ट है, लाइक जो डेस्टिनेशन है और आपके खुद का जो रेजिडेंस है, आपको पूरा अलाउ करता है कि आप उस जगह पे जाके एज अ टूरिस्ट आप विजिट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और होस्ट भी बहुत ही ज्यादा लाइक वेलकमिंग होता है द टूरिस्ट के लिए, और वो अपने देश में उन चीजों की लाइक अवेलेबिलिटी भी कराता है। ये बहुत ही, ये सिंगल लार्जेस्ट पीसफुल मूवमेंट ऑफ पीपल है अक्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आज तक का सबसे सिंगल पीसफुल मूवमेंट है जहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी देश में जगह पे जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि ये हमारा लास्ट स्कॉलर है जो जिसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। तो ग्रीन वुड के लाइक इन सब के बाद आता है हमारा, यस, ग्रीन वुड की डेफिनेशन क्या कहती है रिगार्डिंग अपना टूरिज्म। सो ग्रीन वुड ने जो है चार प्राइमरी एलिमेंट्स दिए थे टूरिज्म के, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह है। द वेरी फर्स्ट इज ट्रैवल डिमांड। पहला है ट्रैवल डिमांड, मतलब कि आप जब जाते हैं लाइक ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं, तो यू यू हैव सर्टेन डिमांड्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल फैक्टर्स, जो कि आपकी टूरिज्म डिमांड को, लाइक यू नीड टू ट्रैवल, आप डिमांड रखते हैं, यू नीड टू लाइक एक्सप्लोर द थिंग्स, तो आप किन बेसिस या किन फैक्टर्स की वजह से वो डिमांड लाइक अपनी बाहर रखते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं। फिर आता है टूरिज्म इंटरमीडिएटरीज, दूसरा, तो इसके अंदर क्या आता है, आप टूरिज्म के अंदर जा चुके हैं, लाइक यू आर ट्रैवलिंग अ प्लेस, तो वहां पे आपको कुछ सर्विसेज चाहिए होती हैं, कुछ चीजें, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज आपको दूसरी जगह के अंदर रहने के लिए, ट्रैवल करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कौन करता है, वो करता है टूरिज्म इंटरमीडिएटरीज, जिसके अंदर आपके ट्रैवल सप्लायर्स आ जाते हैं, होटल्स आ जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, सब कुछ वहां पे आ जाता है, ठीक है, तो ये आपकी ट्रैवलिंग को और स्मूथ इन करते हैं। पहली बात तो आप ट्रैवल डिमांड रखते हैं, फिर आपके टूरिज्म के अंदर आपके आपको इंटरमीडिएटरीज मिलते हैं, फिर आपकी जो डेस्टिनेशन होती है, ठीक है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपने डिमांड रखी है, आप जाना चाहते हैं किसी भी एक फैक्टर की वजह से या दो तीन फैक्टर्स की वजह से, तो आप जिस डेस्टिनेशन या जगह पे जाना चाहते हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करती है, इसीलिए आप जाते हैं। अब आप मान लीजिए अगर आप ताजमहल घूमना चाहते हैं एज अ टूरिस्ट, ओके, ताजमहल घूमना चाहते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपको हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस मिलती है, वहां पे आपको मान लीजिए आपको जो है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, आपको वहाँ का मॉन्यूमेंट देखना है, आपको वहाँ का एनवायरनमेंट देखना है, तो आपको जो डेस्टिनेशन आप चूज करते हैं, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करती है अलग अलग तरीकों से, लाइक हिस्टोरिकल कनेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, तभी आप उस पर्टिकुलर जगह पे जाना पसंद करते हैं। जब आप लाइक आपका डिमांड हो गई, आपको सप्लाईज मिल जाते हैं, आपको सारी हेल्प मिल जाती है जो भी आपको चाहिए होती है थ्रू आउट द टूरिज्म, फिर आप पर्टिकुलर उस जगह आपको इन्फ्लुएंस करती है कि हमारे यहाँ पे आओ, तो और अब 14 पॉइंट है इम्पैक्ट, वो जगह, दैट पर्टिकुलर प्लेस बी विल गिव यू अ वेरी सूदिंग इम्पैक्ट, आपको वहां पे रिलैक्सेशन मिलेगी, रिफ्रेशमेंट मिलेगी, अलग सा टाइम लगेगा, इसीलिए आप वहां पे उस इम्पैक्ट के लिए भी जाते हैं, राइट, आपको वहां से उस पर्टिकुलर जगह से इम्पैक्ट मिलेगा और आप भी अपना कल्चर दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, तो रेंज ऑफ इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, एक वेराइटी ऑफ इम्पैक्ट पड़ता है जब हम टूरिज्म वाले फिनोमिना के अंदर लाइक इंडल्ज होते हैं।
अब बात आता है लास्ट टॉपिक फॉर टुडे सेशन, विच इज पोस्ट मॉडर्न एंड ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो अब टूरिज्म को लेके लेटर ड्यूरिंग 1990s के आखिरी वाले टाइम पे और उसके बाद, अब हमारा जो पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है टूरिज्म को लेके, अब हम ये देखने वाले हैं। सो लेट मी चेंज टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इंक्लूड। ओके, मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो देयर वाज अ पर्सन नेम्ड रियान एंड ही बेसिकली गेव द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग टूरिज्म। उन्होंने टूरिज्म को कुछ इस हिसाब से व्यू अपना दिया, दैट ही सेड अकॉर्डिंग टू रियान इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ प्लेस। उन्होंने कहा कि टूरिज्म एक जगह का एक्सपीरियंस होता है। टूरिज्म इज अबाउट वंस एक्सपीरियंस एंड नॉट द प्लेस। उन्होंने कहा कि जो टूरिज्म होता है वो, क्योंकि हमने अभी तक जो ऊपर वाली डेफिनेशंस देखी है वो अर्ली डेफिनेशंस में आती है, लाइक जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में दी गई थी, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा वहां पे डेस्टिनेशन प्लेस के ऊपर, होस्ट के ऊपर और इंटरमीडिएटरीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। तो अब जब 1990s के बाद वाला जो टाइम आया है तो उसके अंदर रियान जैसे जो लोग हैं वो एम्फसाइज करते हैं एक्सपीरियंस पे, कि एक जगह की एक्सपीरियंस मैटर करता है नॉट द प्लेस। तो उन्होंने कहा कि एक जगह का एक्सपीरियंस मैटर करता है ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरैक्शन, लाइक द पर्सन हु वांट्स टू ट्रैवल एज अ टूरिस्ट एंड द प्लेस and other factors or services or the persons we get to, like हम जिनसे मिलते हैं tourism वाली place पे अपनी destination पे, तो ये जो experience तैयार होता है ये हमारे interaction से होता है as internally and externally। then experience जो है दोनों का matter करता है, host का भी और guest का भी, like host जहाँ पे आप जा रहे हैं जो आपको welcome करता है और guest आप खुद हैं as a tourist, तो दोनों का एक्सपीरियंस मैटर करता है, दोनों का इंटरेक्शन मैटर करता है टूरिज्म के अंदर। दिस वाज ऑल अबाउट द रियान्स पॉइंट ऑफ व्यू इन द पोस्ट ह्यूमनिस्टिक एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव। अब बात आती है 1998 में मिडलटन एक इंडिविजुअल रहे हैं, उन्होंने भी अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दिया है टूरिज्म को लेके। तो 1998 में मिडलटन कहते हैं कि उन्होंने जो फोकस दिया, जो उनका मेन, लाइक मिडलटन का जो मेन फोकस रहा टूरिज्म को लेके, वो टूरिज्म एज बिजनेस रहा, कि टूरिज्म एक तरीके से एक बिजनेस है और टूरिस्ट जो होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, यहाँ पे एरर है, टूरिस्ट जो होते हैं एक कस्टमर होता है जो उस बिजनेस के अंदर आता है, राइट। सो तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी, बेसिकली जो एक तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो ये है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है इज बेसिकली अंडरस्टूड एज अ टोटल मार्केट क्यूमुलेटिव डिमांड कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ विजिटर्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो मिडलटन कहते हैं कि एक तरीके से ये जो बिजनेस है, ये एक तरीके से जो टूरिज्म है, जो एक बिजनेस है जिसमें टूरिस्ट जो है वो कस्टमर है, तो ये एक पूरा मार्केट है, एक पूरा मार्केट है जिसके अंदर डिमांड रखी जाती है लोगों की, एक कंजम्पशन पैटर्न देखने को मिलेगा जहाँ पे बेसिकली आप एक मार्केट समझ रहे हैं किसको, टूरिज्म को, ठीक है, आप टूरिज्म को एक बिजनेस समझ रहे हैं जिसमें टूरिस्ट जो है आपसे आपकी इस मार्केट के अंदर सर्विसेज और गुड्स लेने आते हैं, लाइक विजिट करते हैं वहां पे, अच्छी उनकी डिमांड होती है उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, टूरिस्ट अपनी डिमांड रखता है, ठीक है, और फिर आप जो है एज अ टूरिज्म, आप जो मार्केट चला रहे हैं, आप बिजनेस चला रहे हैं, आप बिजनेस के तौर पे टूरिस्ट को उनकी जो नीड्स होती है उनको फुलफिल करते हैं, लाइक आपको ट्रैवल करवाएंगे, आपको फूड देंगे, शेल्टर देंगे, ठीक है, अलग अलग चीजें जो भी आपको एक्सपीरियंस करना है सब आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे, और बदले में आपका कंजम्पशन पैटर्न दिखता है, कैसे आप अलग अलग जो
ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपको मिल रही हैं, आप उनको कैसे इंजॉय करते हैं या कंज्यूम करते हैं, राइट? आप कैसे उन्हें इंजॉय करते हैं या कंज्यूम करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो मिडलटन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था टूरिज्म को लेके, वो बिजनेस ओरिएंटेड था, जिसमें वो टूरिज्म को एक बिजनेस समझते हैं और टूरिस्ट को, यहाँ पे एरर है, टूरिस्ट को वो एक कस्टमर समझते हैं, राइट? तो ये मिडलटन का एक पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिला है। फिर हमारा जो है एक और जो पर्सन रहेगा इस पर्टिकुलर पोस्ट ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव के अंदर, वो है उरी। तो उरी जो है उन्होंने कहा, उन्होंने डेफिनेशन दी लाइक टूरिज्म को लेके, उन्होंने कहा कि इट इज अ लेजर एक्टिविटी विच इज अपोजिट टू रेगुलेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्क। मतलब कि ये वो एक्टिविटी है जो आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं, जो आप टाइम निकाल के भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको रिलैक्सेशन मिलती है, आप एक्सप्लोर करते हैं। तो आपके जो नॉर्मल वर्किंग टाइम होता है, जिसके अंदर आपके पास एक पूरा टाइम बंधा रहता है, दैट यू नीड टू वेक अप एट दिस पर्टिकुलर टाइम, यू नीड टू गो टू ऑफिस, यू नीड टू स्टडी दिस मच, आपको फिर ये करना है वो करना है, तो आपका जो रेगुलेटेड और ऑर्गेनाइज्ड वर्क होता है उससे बहुत ज्यादा अलग होता है टूरिज्म। तो टूरिज्म में आप जो है फ्री टाइम होता है, आप टाइम निकाल के जाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आपको इतने टाइम तक ये करना है, फिर इतने टाइम तक ये करना है, नहीं। वहां पे आप पूरा रिलैक्स रह के आप बहुत सारे एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। सो टूरिज्म रिलेशनशिप्स अराइज फ्रॉम अ मूवमेंट ऑफ पीपल टू एंड देयर स्टे इन वेरियस डेस्टिनेशंस and a substantial proportion of the population of modern societies engage in such activity. तो ये कहते हैं कि टूरिज्म जो रिलेशनशिप तैयार होता है एक होस्ट के बीच में और एक गेस्ट के बीच में, वो मूवमेंट से होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, वहां जाके रह के आते हैं, ठीक है? और आज के टाइम पे ये जो एक्टिविटी है, ये जो लेजर एक्टिविटी है, अब अच्छे खासे प्रपोर्शन में, अ सब्सटेंशियल प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, अच्छे खासी जनता अपनी टूरिज्म में इन्वॉल्व होती है। वो एज अ टूरिस्ट भी जाते हैं और खुद टूरिस्ट गाइड और मतलब होस्ट भी बनते हैं, ठीक है? अब बात आती है कि जो साइट होती है, साइट मतलब कि जिस जगह पे आप घूमने जा रहे हैं, प्लेस पे जहाँ पे आप घूमने, डेस्टिनेशन जो आपकी जहाँ घूमने जा रहे हैं, तो वो उसको बोलेंगे साइट। आपको जो है ये आपके लिए जो जगह है जहाँ पे आप घूमना चाहते हैं, ये आपके लिए प्लेजर सीकिंग है या साइट गेजिंग है। आप वहां पे जाके खुश होते हो, आपको प्लेजर मिलता है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है? अब बात आती है इसका, जो उरी ने एक और चीज की तरफ अपना फोकस दिया था, जो था ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब पूरा का वी आर ओपन टू एक्सटर्नल वर्ल्ड, आप बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, आप अपने आप में एक आइसोलेटेड देश नहीं है, जगह नहीं है, आप अपने आप को दूसरे एरिया से ओपन है, वो भी आपके यहाँ पे आ जा सकते हैं, टूरिज्म कर सकते हैं, चीजों को बेच सकते हैं, आप भी सेम काम वहां पे कर सकते हैं, ठीक है? तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन ने चेंज किया बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, बहुत सारे चीजों को एक इंडिविजुअल की सोशल लाइफ के अंदर, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन ने टाइम और स्पेस को भी एक तरीके से नया एलिमेंट दिया, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने कनेक्टिविटी है, इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी है, आप अपने घर पे बैठे बैठे दूसरे कंट्री के, दूसरे स्टेट के लोगों से कनेक्ट हो पाते हो। फिर अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स फ्लो ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवलर, ग्लोबलाइजेशन ही रीजन है जिसकी वजह से आप बॉर्डर पार, बॉर्डर अक्रॉस जो है एज अ टूरिस्ट जा सकते हो, एज अ ट्रैवलर जा सकते हो, और वहां से भी लोग आपके यहाँ पे आ सकते हैं।
So this was the point of view of Puri, who basically emphasized के टूरिज्म एक लेजर एक्टिविटी है और एक तरीके से आपको प्लेजर मिलता है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, और कैसे ग्लोबलाइजेशन ने टूरिज्म में हेल्प किया है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल गाइस, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक व्यू पार्ट वन आल्सो फॉर बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. And stay tuned for further parts and more sessions. Thanks a lot, guys. Take care and bye bye.